नमस्कार, सीएमएन के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर तीन संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये वही तीनों आरोपी हैं जिनके कब्जे से फरीदाबाद पुलिस ने इतनी भारी संख्या में बम और कारतूस बरामद किए हैं। ये हमारी क्राइम ब्रांच 30 की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, तो उसके आधार पर उन्होंने एक कबाड़ी जो कि मजेसर थाने के एरिया में था, तो वहाँ पर जाकर रेड करी तो काफ़ी भारी मात्रा में जो प्रोहिबिटेड बोर के काफ़ी सारे कैटरेजेस हमको मिले हैं और उसके साथ अन्य सामान भी मिला है। तो जिसकी काउंटिंग पे हमने पाया कि करीब 1700 लाइव राउंड्स हैं। उसके अलावा 84 केजीज के इसमें मिस फायर और जो खोल होते हैं एम्प्टी कार्ट्रिजेस वो भी हैं, और इसके साथ साथ 5 शेल्स हैं जिनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो वेपनरी है या डिफ्यूज शेल्स हैं, तो उनके बारे में अभी हम पता लगा रहे हैं। सर, कहाँ से लेके आया था आरोपी, क्या कुछ इसका सूचना क्या थी कि किस तरह से रेड किया? इसमें जो सूचना मिली थी कि किसी कबाड़ी के पास कुछ जो वेपन के जो भी कार्ट्रिजेस हैं राउंड्स हैं वो मिल सकते हैं, तो उसी आधार पर पुलिस ने रेड करी थी। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी भारी मात्रा में इस प्रकार का जो सामान बरामद हुआ है। ये किस तरह के हथियार के कारतूस है जिनकी हम बात कर रहे हैं, 1700 कारतूस? ये जितने भी कारतूस हैं ये सारे जो आर्मी में जनरली यूज होते हैं, जैसे कि AK-47 है, इंसास है, उसके कार्ट्रिजेस ज़्यादा हैं। बाकी कुछ 9mm के भी राउंड्स हैं इसमें, और कुछ 2-3 बड़े शेल्स भी हैं जो लॉन्ग रेंज हमारी जो राइफल होती है उसमें यूज होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, आर्मी में जो यूज होते हैं वो है, तो यहाँ तक पहुँचने की क्या वजह, क्या आर्मी के साथ कोई कनेक्शन है या क्या आप देख पा रहे हैं अभी तक हम जो जाँच की? जो अभी हम अपनी जो हमारी जाँच हुई है अभी तक, उसमें हम आगे का कनेक्शन बढ़ाते हुए इसने सामान कहाँ से लिया है वो हम अभी पता लगा रहे हैं। तो उसमें जो दो अन्य व्यक्ति जिनसे हमने पूछताछ करी है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने आगे की हमें लिंक बताए हैं। तो अभी तो हमें कोई ठोस जानकारी आगे की हमें नहीं मिली है, जो अभी जांच का विषय है। अभी ये कबाड़ी इनके पास जो सामान आया है ये एज अ कबाड़ आया है जिसको ये इसमें से पीतल निकाल के और ये बेचने की फिराक में थे। तो ये आर्मी से किसी तरह का कोई कनेक्शन समझ में आता है कि कितना खतरनाक हो सकता था इस तरह के इतने बड़ी मात्रा में कारतूसों का होना और आर्मी के कारतूसों का होना? पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं इनसे, आर्मी के कारतूसों का होना कितना बड़ा खतरा नहीं, ये गंभीर, ये सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये रिकवरी है, क्योंकि इनका कहीं पे भी मिसयूज हो सकता था। और चूंकि ये सारे जो कार्ट्रिजेस हैं ये काफ़ी जो आर्मी यूज़ करती है उन वेपन्स के हैं, जैसे कि इंसास हो गई, AK-47 हो गई और SLR के, 9mm के, तो ये कहीं पे भी डाइवर्ट हो सकते हैं, जैसे कि टेररिस्ट अटैक के लिए भी या फिर नक्सलाइट्स, इन्हें कहीं पे भी इनका मिसयूज हो सकता है। तो इनकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और लेकिन ये अच्छी रिकवरी है और पुलिस इसमें आगे की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये किस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे हैं। कहा जा सकता है कि दिल्ली NCR को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा था जिसको टाल दिया फरीदाबाद, काट दीजिए कैसे आवाज़ को दिक्कत आई थी, लगता है कि दिल्ली NCR को बहुत बड़ा खतरा था जैसे फरीदाबाद पुलिस की टीम ने? नहीं, ये हमारी क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका कहीं पर भी दुरुपयोग हो सकता था। इस तरह से शेल्स ये बरामद हुए हैं, इससे पहले भी एक भूषण स्टील का बड़ा ब्लास्ट हुआ था जो कि इराक और बाकी जो गल्फ कंट्रीज का जो आता था वेस्ट, जो एक्सप्लोसिव वेस्ट आता था, क्या ये बाहर के भी हो सकते हैं या हिंदुस्तानी? नहीं, इस बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, अभी इस बारे में तफ्तीश जारी है और जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको भी ब्रीफ करेंगे। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये जो कबाड़ है सेना से आया हुआ है? नहीं, जो ये वेपन्स हैं ये प्रोहिबिटेड बोर्स में आते हैं, ये इंसास और ये जो आम जनता को जो भी वेपन्स अलॉट होते हैं उनको ये वेपन्स अलॉट नहीं होते हैं, और ये कार्ट्रिजेस भी उनके काम की नहीं होती हैं, ये सारे जनरली आर्मी में यूज होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है इंसास वगैरह AK-47, तो ये उनके सारे राउंड्स हैं। तो ये जो संभवतः यही है कि वहाँ से इनके कपाड़ के थ्रू या किसी के थ्रू वहाँ से ये आया है। कितने लोग जा सकते हैं कि आर्मी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ सेध लगी है कि जिसकी वजह से ये बाहर आया जिंदा? इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी ये सभी जांच का विषय है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें और कहाँ कहाँ से हुई है गिरफ्तारी? ये 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये तीनों लोग फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं, और इसमें अभी पुलिस आगे की जो आगे कहाँ से ये सामान लेके आए हैं उस बारे में जांच कर रही है, फिर अन्य भी गिरफ्तारियां हो सकती है। कितने समय से ये बैकग्राउंड क्या है सर इनकी? काम करते हैं और संभवतः ये इसको पीतल के फॉर्म में बेचने की फिराक में होंगे,
और बाकी इसके बारे में हम अन्य जानकारी जुटा रहे हैं। क्या खबर होगा और भी कहीं बात हो गई है, कहाँ से आया, कैसे आया, कोई बात नहीं। अभी इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं, अभी इसके बारे में हमें पास ठोस पुख्ता जानकारी कोई नहीं है। सीमा पर जो हालात है उस नज़रिए से अगर देखें तो इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का होना क्या दिखाता है? नहीं, ये तो देखिए आंतरिक विषय है, लेकिन ये जैसे कि हमारे सामने जो ये जो भी चखीरा अभी तक बरामद हुआ है, ये काफ़ी समय से जो अभी तक हमें पता चला है काफ़ी समय से इन कबाड़ियों के पास था, तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, इनका क्या संभवतः इनका क्या इंटेंशन था, उस बारे में सभी अभी जानकारी हम ठोस रूप से नहीं कह सकते हैं, पर एक बार जांच का विषय है, उसके बाद ही हम इसमें कुछ कह पाएंगे। क्या इन्होंने अभी तक इसमें से कुछ बेचा है सामान? अभी तक की जो जानकारी आई है, अभी हमें इस बारे में कोई क्लू नहीं है कि इन्होंने बेचा है कि नहीं बेचा है। अभी पुलिस इसमें रिमांड लेके इनसे पूछताछ करेगी और तब और नए खुलासे हो सकते हैं। आईबी और सेना को इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है? हाँ, आईबी को इस बारे में बता दिया गया है, क्योंकि पहले भी एक इसी प्रकार की घटना हुई थी, तो संभवतः हम उससे भी कनेक्शन खंगाल रहे हैं। तो क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आईबी के और सेना के कुछ अधिकारी आके इस बारे में कोई पूछताछ कर सकते हैं? ये तो उनके उन पर निर्भर करता है, हमने सूचना पहुंचा दी है और बाकी हम अपनी जांच में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। फरीदाबाद में बहुत सारे कबाड़ी हैं, क्या उनकी और उनकी भी जांच की जा रही है? हाँ, अब संभवतः है, क्योंकि ये इस प्रकार की जो ये चीज़ें सामने आई हैं, तो अब कबाड़ियों पर थोड़ी हम नज़र रखेंगे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसका हम खास ध्यान रखेंगे। ये तो ऐसे जखीरा फैलने के बाद ही सर पुलिस प्रशासन जागता है इस बारे में, पहले भी क्या हम कुछ वो नहीं लगा सकते कि भाई पहले भी एहतियातन उनके? नहीं, हमने पहले ही ये एहतियातन पहले ही पकड़े हैं, इनका कोई अभी तक मिसयूज नहीं हुआ है और पुलिस की जो एक्टिवनेस है उसी के कारण ही पकड़े गए हैं। तो टीम को कुछ सम्मानित करने का कोई इरादा? हाँ, टीम को सम्मानित किया जाएगा और जिन्होंने भी इसमें अच्छा काम किया है उनको हम सीपी सर से और मेरी तरफ से सर्टिफिकेट्स और अन्य सम्मान किया जाएगा। ठीक, ये जो एम्यूनिशन है इसको डिस्पोज ऑफ करने का क्या प्रोसीजर है और क्या डिस्पोज ऑफ? जो अभी तक की हमारी जानकारी है, फरीदाबाद में इस तरह की कोई अधिकृत एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, बट इसके बारे में आर्मी या उनके अधिकारी ही डिटेल में बता सकते हैं कि इनका क्या प्रोसीजर होता है और किस प्रकार से इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इतना बड़ा कदम कैसे उठाया तुमने? हथियार इतने बड़े लेकिन जितने खतरनाक हथियार है तुम्हारे पास, तुम्हें लगता नहीं कि पूरा देश बर्बाद हो सकता है? हो सकता है सर, इस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के साथ, तुम्हें लगता है कि इनका बहुत बड़ा मिसयूज हो सकता है? पछतावा है आपको अपनी इस पे? पछतावा अपने गलती किस चीज की गलती की? सबसे बड़ी गलती है इरफान, इरफान कहाँ से लाए थे हथियारों को? स्क्रैप में आया था दिल्ली से। कहाँ से? अच्छा, तुम्हें पता था इसमें इतने खतरनाक हथियार? सर बीच में आया था, स्क्रैप में आया था। दिल्ली में कहाँ से आता है? कहीं से आता। लग रहा है कि गलती है तुम्हारी इतनी बड़ी, इतने बड़े हथियार तुमने? हमने वो सर ध्यान दिया नहीं, वो लालच के चक्कर बस थोड़ी सी गलती होगी हमारे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा लालच देश को बर्बाद कर सकता है? सर गलती है। इससे पहले भी आते रहे थे इस तरह का?